नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बारिश ने पूरे पहाड़ को हिलाकर रख दिया है। लगातार दरक रहे हैं पहाड़, चट्टाने तो ऐसे गिर रही हैं जैसे रबड़ की गेंद गिर रही हो। टिहरी, रुद्रप्रयाग और चंबा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस बारिश में पहाड़ जैसे बेचारे बन गए हैं। पहाड़ ऐसे दरक रहे हैं जैसे वो चट्टान नहीं रेत के बने हों। जरा इस चट्टान की हालत तो देखिए, ऐसे टूट कर गिर रहे हैं जैसे चट्टान नहीं कंचन। ये टिहरी की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 जगह जगह बंद हो चुका है और लगातार पहाड़ियां दरक कर टूट रही हैं। ये सोचकर किसी का भी दिल दहल जाए कि अगर यही चट्टान किसी के सिर पर गिर पड़े तो उसका क्या हाल हो। रुद्रप्रयाग में भी दो दिनों से आसमानी आफत जारी है। लगातार बरस रहे मेघों ने रुद्रप्रयाग को मुसीबत में डाल दिया है। खासकर आपदा पीड़ित केदार घाटी में बारिश के बाद जगह जगह हो रहे भूस्खलन से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। केदार घाटी की लाइफलाइन कहे जाने वाले केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं। जरूरी चीजों की सप्लाई भी ठप पड़ी हुई है। इस विपदा से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले के अंतिम गांव तोशी में बादलों ने जमकर तबाही मचाई। गांव को जोड़ने वाली पुलिया जमींदोज हो चुकी है। अब जरा हिमाचल का हाल देखिए। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय सड़क मार्ग पर पूरा का पूरा पहाड़ ट्रक पर आ गिरा। गनीमत रही उस वक्त ट्रक में कोई नहीं था। इस जबरदस्त भूस्खलन के बाद चंबा पठानकोट राष्ट्रीय सड़क मार्ग बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। कहीं बादल फट रहा है तो कहीं सैलाब तबाही मचा रहा है। यहां मंडी में बादल फाड़ तबाही आई तो चंबा में पहाड़ों से कीचड़ का सैलाब शहर में घुस आया। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद बादलों का सीना फटा तो धरती पर तबाही का सैलाब आ गया। बादल फटने के बाद पानी और मलबे का तूफान मैदान का रुख करने लगा। लहरों का शोर ऐसा था कि लोगों के शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। लहरें बिजली की रफ्तार से भी तेज दौड़ रही थी। जैसे जैसे ये मलबा मैदान पर आगे बढ़ रहा था, इसके रास्ते में आने वाले पेड़ और पर्वत मलबे के ढेर में समाये जा रहे थे। इस मलबे के रास्ते में जो आया वो तबाह हो गया। कुछ लोग ऊंचाई पर खड़े होकर तबाही के इस मंजर को देख रहे थे और दहशत में आकर चीख चिल्ला रहे थे। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं, जहां के बागी पराशर में भारी बारिश के बाद बादल फटा तो तबाही इस शक्ल में सामने आई। ये मलबा अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। इसमें 5 दुकानें और एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी तबाह हो गई। बागी नाला है, उसमें आज सुबह लगभग 9 बजे काफी मात्रा में जो है पानी वहाँ पर उस नाले में आया और पानी डाइवर्ट होके जो उसके
किनारे जो दुकानें वगैरह थी उसको काफ़ी डैमेज किया हुआ है। मंडी के लिए बादल फाड़ तबाही का ये मंजर नया नहीं था, बल्कि इससे पहले भी यहाँ 3 बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले महीने भी यहाँ बादल फटा था, जिसमें जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 2 बाइक और 2 महिंद्रा पिकअप गाड़ी मलबे के साथ बह गई थी। मंडी में बादल फटा तो चंबा की सड़कों पर कीचड़ का सैलाब आ गया। अचानक पहाड़ों से कीचड़ की शक्ल में सैलाब शहर का रुख करने लगा। लोग दहशत में आ गए और बचने के लिए घरों के छतों पर चढ़ गए। कीचड़ का यह सैलाब अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ तक को बहा ले गया। कुछ ही देर में चंबा की सड़क पर 4 से 5 फीट तक मोटी कीचड़ की परत जम गई। आनंद फानंद में प्रशासन ने द्वारा, वरमाला और लधेरा गांव खाली करा लिए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। शाम से यहाँ स्लशी कीचड़ और पानी नीचे बह के आया है। शाम को करीब 7-8 घरों को खतरा हो गया था, उनको सेफ प्लेस पर हमने शिफ्ट करवा दिया था। हिमाचल प्रदेश में हर तरफ बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार जारी बारिश और भूस्खलन के दौर ने यहां लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मंडी से परी शर्मा के साथ चंबा से विशाल आनंद आज तक। पहाड़ों पर जमीन का धसना होता रहता है, लेकिन इस बार न सिर्फ जमीन धस रही है बल्कि भयंकर बारिश से कभी जम्मू और कश्मीर में तो कभी हिमाचल प्रदेश में तो कभी उत्तराखंड में पानी अपना रंग और हुड़दंग दिखा ही देती है। हरिद्वार में तो सैलाब इतना तेज आया कि टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। देवभूमि इन दिनों सैलाब भूमि बनी हुई है। बारिश में उफनती हुई नदियां किस कदर खौफ पैदा कर रही हैं, उसकी सबसे ताजा तस्वीर है ये। उफनती लहरों के बीच ये तेल टैंकर हिचकोले खाते बहा जा रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब हरिद्वार के श्यामपुर इलाके में ये टैंकर कोटा वाली नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। उफनती लहरों की अनदेखी करना टैंकर चालक को काफी महंगा पड़ा और वो टैंकर समेत बहने लगा। जिस वक्त टैंकर उफनती लहरों का शिकार हुआ उस वक्त उसमें 5 लोग बैठे हुए थे। वैसे इनकी किस्मत अच्छी थी कि इसकी खबर मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हुआ और सभी को एक एक कर बचा लिया गया। हरिद्वार में गंगा उफान पर है। इंसान को नई जिंदगी देने वाली गंगा खतरे के निशान को छूने के लिए मचल रही। गंगा में खतरे का निशान 294 मीटर है। हरिद्वार में गंगा 293.25 मीटर पर बह रही है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से ऋषिकेश में गंगा भी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। हालात ये हैं कि गंगा के किनारे कई घाट पानी में डूब चुके हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने चिंता की लकीरें खींच दी है। प्रशासन ने गंगा किनारे न जाने की चेतावनी भी जारी की है। पहाड़ों पर मौसम की जो मार पड़ी है उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। पहाड़ों से सैलाब दौड़ रहा है। चट्टानों के बीच से निकलता सैलाबी उफान मानो सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। ये तस्वीरें चमोली से आई हैं। यहाँ लगातार बारिश की वजह से कुदरती नजारों की पूरी सूरत बिगड़ गई है। पहाड़ों से आफत वाला सैलाब दौड़ लगा रहा है और उन्हीं पहाड़ों पर चट्टान भी दरक रहे हैं। भूस्खलन की ये ताजा तस्वीरें डराने वाली हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में रिहायशी इलाके में ऐसा हाल दिखा कि हर कोई हैरान रह गया। वहां शहर से होकर गुजरने वाले नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया। हालात ऐसा हो गया कि पूरे मोहल्ले को खाली कराना पड़ा। सभी लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। वहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।